हेलो क्लास, आज हम हिंदी में चैप्टर फोर पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर फोर है संसार पुस्तक है। हम जहां रहते हैं, है ना, जिस संसार में हम रहते हैं, वो संसार क्या है? पुस्तक, यानी कि किताब, है ना। ये एक पत्र के जरिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को समझाया है, है ना, कि हमारा जो संसार है वो एक पुस्तक है। ठीक है। नेहरू जी को अपनी इकलौती पुत्री के साथ समय बिताने का अवसर बहुत कम मिला, किंतु पत्रों के माध्यम से उन्होंने उनके साथ संपर्क बनाए रखा। नेहरू जी की एक ही पुत्री थी, है ना, और वो अपनी पुत्री के साथ समय नहीं बिता पाए थे, ना, बहुत कम समय बिता पाए थे। इसीलिए वे पत्र के जरिए, उनको पत्र लिखते थे अपनी बेटी को, और पत्र के माध्यम से ही उससे संपर्क बनाए रखा, है ना। पत्र भेजते थे और पत्र में ही जो कुछ कहना होता था वो पत्र में लिख देते थे। प्रस्तुत है उनके द्वारा लिखा गया एक पत्र इंदिरा जी के नाम। उनकी बेटी कौन थी? इंदिरा गांधी, है ना। तो इंदिरा गांधी को लिखा गया पत्र हम लोग यहां पढ़ेंगे। प्रिया इंदु, नेहरू जी लिखते हैं प्रिया इंदु अपनी बेटी को, है ना। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, है ना। नेहरू जी अपनी बेटी को लिखकर बोलते हैं कि अक्सर जब तुम मेरे साथ रहती तुम हमसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। जो जो तुम पूछती हो उसका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। कौन कहते हैं? नेहरू जी। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो, इंदु कहां है? मसूरी में, है ना। जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद में कौन है? नेहरू जी। उनकी बेटी मसूरी में है और नेहरू जी इलाहाबाद में, है ना। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फोन वगैरह नहीं था, इसीलिए बातचीत अगर करना हो, कुछ मैसेज देना हो, तो वो पत्र के जरिए दिया जाता था, है ना। तो दोनों बातचीत नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। ठीक है। जो बात मैं तुमको नहीं बता सकता, इस दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, छोटे बड़े देश के बारे में, है ना, इस दुनिया में छोटी 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 जो कथाएं हैं, है ना, उसको हम लिख कर तुम्हें बताएंगे। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। हिंदुस्तान जहां हम रहते हैं, इंडिया, है ना, और इंग्लैंड का हाल इतिहास, इतिहास मतलब जो बीत चुका है उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। इंग्लैंड क्या है? एक छोटा सा टापू, है ना, जिसके चारों ओर पानी है और टापू जहां पर भूमि है। और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है ना, और इंग्लैंड एक टापू है, छोटा सा देश, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर भी जो इंग्लैंड है वो दुनिया का छोटा सा एक हिस्सा है। हिंदुस्तान तो बड़ा है ही, लेकिन इंग्लैंड छोटा होने के बावजूद भी दुनिया का एक हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोला? अगर तुमको दुनिया के बारे में जानने का शौक है तो क्या करना होगा? जितने भी देश हैं उस देश के बारे में जानना होगा, वहां कौन कौन सी जाति रहती है उसके बारे में जानना होगा, वहां पर जो जाति बसी हुई है उसके बारे में जानना होगा। ध्यान रखना पड़ेगा केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई है, सिर्फ उस देश का ध्यान नहीं रखना जहां पर तुम पैदा हुई हो ना। पूरे संसार में जितने भी देश हैं, ठीक है, वहां की कौन कौन सी जातियां हैं, है ना, वो कहां बसे हुए हैं, सबका तुमको ज्ञान होना चाहिए। तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो। अगर इतिहास पढ़ना है तो इतिहास के बारे में जानने के लिए क्या करना होगा? किताब का सहारा लेना होगा ना, किताब से हम इतिहास पढ़ सकते हैं। लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। लेकिन बहुत पुराने जमाने में आदमी पैदा हुआ ही नहीं था, किताबें कौन लिखता, है ना। अगर आदमी पैदा होता तो किताब लिखता, आदमी पैदा ही नहीं हुआ तो किताब कौन लिखता।
तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। जिस जमाने में आदमी नहीं था और किताब भी नहीं था, उस जमाने की बात हमको कैसे मालूम हो। उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी, उस जमाने पुराने जमाने में लिखी हुई किताबें नहीं होने पर भी कुछ ऐसे चीज हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। अगर हमको पुरानी बातें जाननी है जहां पर जिस समय पुस्तकें नहीं थी, तो हमें उतनी ही बातें मालूम होती है, नहीं है फिर भी, जितनी कि हम किताब से करते हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इस तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं, है ना। कौन कौन चीजें? पहाड़ है, समुद्र है, सितारे हैं, नदियां हैं, जंगल है, जानवर की पुरानी हड्डियां है, है ना। इस तरह का बहुत सारा चीज है दुनिया में जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। हम इन सब से, जितने भी चीजें पढ़े यहां पर, उन सब से हम दुनिया का पुराना हाल जान सकते हैं ना, पुरानी बातों को मालूम कर सकते हैं। अगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। क्या बोल रहे हैं गांधी जी, नेहरू जी, कि जिन हम दुनिया का पुराना हाल हमको मालूम हो सकता है, मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि पुरानी चीजों को देखें हम उसका हाल जान लेंगे, कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, दूसरा कोई लिखा है उसका किताब पढ़ लेंगे तभी हम जान पाएंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, संसार में जो जो चीजें हैं उस पुस्तक को पढ़ें, संसार को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी। अगर पत्थरों को और पहाड़ों को पढ़ना है ना, अगर पत्थर किसी पत्थर को देखेंगे, किसी पहाड़ को देखेंगे और अगर उसको पढ़ेंगे, उस पर हम ध्यान लगाएंगे, तो थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना हम सीख जाएंगे, है ना। सोचो कितनी मजे की बात है। क्या मजे की बात है? एक छोटा सा रोड़ा, रोड़ा मतलब पत्थर का छोटा सा टुकड़ा, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो छोटा छोटा टुकड़ा देखते हैं ना, पहाड़ का, ये पत्थर का, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, जैसे 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ 3 पृष्ठ हम लोग देखते हैं ना, पन्ना, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना। तो वो छोटा सा जो रोड़ा है वो कहीं संसार का छोटा सा पृष्ठ तो नहीं है, पन्ना तो नहीं है? शायद उससे तुम्हें कोई ना कोई बात मालूम हो जाए, है ना। अगर हम उस छोटे से रोड़े को देखें, छोटे से पत्थर को देखें, तो हमको कुछ बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। अगर हम पत्थर को देखेंगे तो पत्थर देखकर हमको पढ़ना आता हो, तभी हम जान पाएंगे उसके बारे में। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। अगर कोई भी भाषा हमको सीखना होता है, हिंदी सीखना है तो हिंदी के अक्षर पढ़ते हैं, क ख ग घ अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, है ना। इंग्लिश सीखना हो तो अ आ ए बी सी डी ई एफ जी एच सीखना होता है ना। उस तरह से उर्दू सीखना हो तो अलिफ बे ते, ये सब सीखना होता है अक्षर। तो कोई भी भाषा जानना हो तो उसके लिए हमें अक्षर सीखना होता है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना पड़ेगा। प्रकृति के अक्षर क्या क्या है? वही है, पत्थर का टुकड़ा, पत्ते का टुकड़ा, पेड़ गिरा हुआ है ना। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। नेहरू जी अपनी बड्डी को क्या बोलते हैं कि अगर तुमको प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, है ना, अगर तुमको जानना है संसार का हाल जानना है, तो प्रकृति के चीजों को पढ़ना होगा, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। क्या नेहरू जी बोलते हैं कि शायद अब भी तुम उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? अगर हम किसी छोटा सा पत्थर को उठाते हैं, चमकीला पत्थर को, तो वो क्या हमें कुछ बतलाता नहीं है? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया?
कोई भी पत्थर कैसे गोल हो जाता है, कैसे चिकना होता है, काहे चमकता है, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए। सभी पत्थर का खुरदरा होता है ना, उसका किनारा होता है जिससे हमको चोट लग जाता है, तो आखिर वो घिस के कैसे चितना चिकना हो गया, कैसे चमकीला हो गया। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े को टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। अगर हम किसी पहाड़ को, पहाड़ के चट्टान को अगर तोड़ेंगे तो जितना भी टुकड़ा उसका निकलेगा सब टुकड़ा कैसा होगा, नुकीला और खुरदरा है ना, मतलब चिकना नहीं होगा और नुकीला होगा। यह गोल चिकना रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। जो हम गोल चिकना रोड़ा उठाते हैं सड़क में से वैसा वो नहीं होता है। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला चिकना और गोल हो गया है ना, जब नहीं होता है ना। तो आखिर ये जो हम लोग रोड़ा उठाए हैं वो चिकना चमकीला और गोल कैसे हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम रोड़े के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। अगर आंख तुम्हारी आंखें देखे बढ़िया से उसको, उस रोड़े को, और तुम्हारा कान बढ़िया से उसको सुने तो रोड़ा अपने मुंह से ही अपनी कहानी कहेगा। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, बहुत दिन पहले की बात है रोड़ा बताता है, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। वो जो रोड़ा था वो एक दिन चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसे टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे है ना। उस रोड़े में भी टुकड़े, उस टुकड़े रोड़े में किनारे थे, कोने थे है ना, और खुरदरे थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। कोई बड़ा चट्टान तोड़ते हैं तो टुकड़ा कैसा निकलता है, उसका किनारा कैसा रहता है, खुरदरा होता है, नुकीला होता है। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, कोई पहाड़ से टूट कर गिरा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। उस छोटे रोड़े को पानी जब वर्षा हुई तो उसको बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने धकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया, और फिर कोई नाली में, बड़े पहाड़ी नाले से जब झरना और निकलता है ना, वहां से उसको धकेल कर कहां पहुंचा दिया, दरिया यानी नदी में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा, फिर छोटे दरिया से, छोटे नदी से बड़े नदी में पहुंचा, लुढ़कते लुढ़कते पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, पानी में वो लुढ़कते 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 रहा, छोटा नदी से बड़ा नदी तक लुढ़कते रहा, क्योंकि उसको बहा कर ले गया, उसके किनारे घिस गए। जब वो बहा ना पानी के साथ तो उसका किनारा क्या हुआ, घिस गया, और वह चिकना और चमकदार हो गया। समझ में आया ना कैसे वो चिकना चमकदार हुआ। सो वो नदी के द्वारा धकेलते धकेलते उसका जो नुकीला कोना वगैरह है वो घिस गया है ना, और वह चिकना हो गया और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। फिर वो घिस के क्या होता है, छोटा बन के कंकड़ बन जाता है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, कोई वजह से मान लो पानी सूख गया तो नदी उसको छोड़ दिया, और तुम उसे पा गई और उसको तुम पा ली, इसीलिए वो तुम्हारे हाथ में कैसा लगता है, चमकीला और चिकना। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। अगर तुम्हारे पास नहीं पहुंच के दरिया उसको और भी आगे ले जाता तो क्या बन जाता, टूटते टूटते वो बालू बन जाता है ना, बालू का छोटा स्कन बन जाता। वह समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, बालू होता है समुद्र के किनारे तो वहां जाकर अपने भाइयों से मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। आप लोग बनाते हैं, जब हमारे घरों के बाहर में बालू गिरते हैं तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, और बालू के घरौंदे बनाते हैं, अपने पैर को अंदर ले जाते हैं और फिर उससे घरौंदे बना, छोटा घर बनाता है। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो जरा सोचो पहाड़ों और दूसरी चीजों से हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। एक छोटा रोड़ा के बारे में जाने ना कि वो कैसे कैसे कहां से कहां आया, तो इसी तरह से सोचो कि अगर पहाड़ और दूसरा चीज और भी कोई चीज है वो हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है उससे। मान लो किताब जो हम पढ़ते हैं, वो कागज का पन्ना कहां से आया, वो कहां पर था, कहां से कहां आ गया
है ना, वो कागज, वो एक पत्ता था, उस पत्ते को मशीन में डाला गया होगा, वो फिर पन्ना बनाया गया होगा, है ना, उस पन्ने को फिर उसमें अक्षर लिखे गए होंगे, है ना, फिर हमारे पुस्तक को बैंड किया गया होगा, है ना, इस तरह से तुम्हारे पास ये पुस्तक आ गया। उस तरह से ऐसी कई चीजें हैं दुनिया में जिससे बारे में हम खुद से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नेहरू जी ने फिर अंत में लिखा है, तुम्हारा पिता जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदु को ये पत्र के जरिए कुछ समझाना चाहा, है ना। तो आप लोग भी समझे होंगे, हम लोग किसी भी चीज के बारे में उसकी पुरानी बातें मालूम कर सकते हैं, है ना। अब आपका एक्सरसाइज है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लेके याद करेंगे, ओके।